फ्रेंड्स, मैं हूं निधि और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं बनाऊंगी भेल। ऑफ कोर्स भेल तो सबको पसंद आती ही होगी, तो आज हम इसको स्ट्रीट स्टाइल में घर पे बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूं कि इन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये हमने मुरमुरा लिया है, फिर हमने लिया है ये प्याज। प्याज एक मीडियम साइज़ प्याज को हमने इस तरीके से बारीक काट लिया है। एक मीडियम साइज़ टमाटर को बारीक काट लिया है। हरी धनिया को बारीक काट लिया है। ये हरी मिर्च है। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा, या आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये हमने लिया है मूंगफली के दाने। इसको हमने अच्छे से भून लिया है और उसके छिलके जो है वो निकाल लिए हैं। और हमने लिए हैं ये नींबू। एक नींबू को हमने इस तरीके से आधा काट लिया है। और मसाले में हमें चाहिए है नमक, लाल मिर्च पाउडर और ये चाट मसाला। भेल बनाने के लिए आप इस तरीके का कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें आप इजीली भेल को मिक्स कर सकें। तो भेल बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे इसमें प्याज, टमाटर, मूंगफली जो हरी मिर्च ली थी हमने, अभी हम इसमें आधा नींबू डालेंगे। हम इसमें डालेंगे ये लाल मिर्च पाउडर। हमने इसमें एक हरी मिर्च ऑलरेडी काट के डाली हुई है, तो आपको अगर तीखा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा लाल मिर्च डाल सकते हैं। मैं अभी इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ। नमक डालेंगे आधा चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे ये मुरमुरा। मुरमुरा हमें सबसे लास्ट में डालना है ताकि ये नरम ना पड़े, जो भेल है आपकी वो अच्छी क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें धनिया डाल दूंगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और घर में अगर आपके सेब हैं तो आप वो सेब भी मिक्स कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा सेब भी डाल देती हूँ टेस्ट के लिए। देखिए हमारी भेल जो है वो बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसको प्लेट में निकाल करके या फिर जैसे स्ट्रीट में बेचते हैं वैसे हम कोन बना करके उसमें डाल करके दिखाएंगे। कोई भी एक साफ न्यूज़पेपर ले लीजिए और उसकी इस तरीके से कोन बना लीजिए और अपन इसमें डाल देते हैं भेल।